नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। मैं इस समय सलेमपुर लोकसभा में हूं। हम बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद रामाशंकर राजभर जी, जो इनका अधूरा शो था, तो राजभर जी राष्ट्रीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रोड शो का निकालने का मतलब क्या था? देखिए, हमारा टिकट फाइनल हुआ है, उसके रोड शो निकालने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है सलेमपुर लोकसभा की जनता का सेवा करने के लिए, क्योंकि भाटपार विधानसभा में मेरा पहला दिन था, तो मैंने परमिशन लेकर आज ये शो किया कि हमारे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आ जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके। दो राजभर लोकसभा लड़े जिसमें ऑप्शन थे, कोई हारा नहीं है, तो क्या इतिहास कायम रहेगा? इस बार कहां से हार रहा हूं मैं? हमारा चुनाव, आपको जानकर ताजुब होगा कि सलेमपुर लोकसभा की जनता लड़ रही है। जिस दिन पर्चा मैं सिंबल लेकर बेलथरा विधानसभा में आया और वहां से बेलथरा विधानसभा, इस भीषण लगन के समय में भी, भीषण खराब मौसम में भी, हर चट्टी चौराहों पर जैसे सांसद लोगों ने चुन लिया है उस तरह से माल्यार्पण किया, उस तरह से स्वागत किया, चाहे वो सिकंदरपुर हो, चाहे बांसडी हो, उसी तरह से हमारे आज भाटपार में जो हमारे पूर्व विधायक माननीय अशोक उपाध्याय जी हैं, इन लोगों के सहयोग से यहाँ भी वही दशा रही। तो मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, और जब जनता चुनाव लड़ने लगती है तो सारे तिकड़म खत्म हो जाते हैं और जनता जिसको चाहती है वही जिताती है। सलेमपुर लोकसभा से जनता मुझे जिता रही है, मन बना लिया है कि इस बार रमाशंकर विद्यार्थी बहुत दिनों के बाद विकल्प मिले हैं और विकल्प मान लिया है, और सलेमपुर की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव में उन्होंने हमें अपना लिया है। ठीक है, आप राजभर समाज से हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर का राजभरों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो किस तरह वोट कन्वर्ट करेंगे साइकिल पर? देखिए, हम समाजवादी हैं, हम जातिवादी नहीं है, लेकिन कौन राजभर समाज का कौन नेता है इसी चुनाव के बाद साबित हो जाएगा। पूरा समाज हमारा करंट आ गया उसमें, चाहे वो किसी भी पार्टी में था, सब लोग उठ गए और उठ करके वो खुद वोट मांग रहे हैं। तो यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी को जीतना है। जागो राजभर, जागो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास गए थे लोग कि मैनिफेस्टो में एसटी आरक्षण का जो है कार्य चला उसको मैनिफेस्टो में डाला जाए, लेकिन अखिलेश यादव जी शायद नकार दिए, तो आप किस तरह मांग करेंगे जब आप चुनाव जीत कर जाएंगे? तो यह बताइए, सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की, तो आप तो सत्ता नहीं, सुनिए, सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की, और जागो राजभर, जागो की एसटी की मांग जो है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्यों बदनाम किया जा रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता राजभर नेता है और चाहे सत्ता में वर्तमान में राजभर नेता है, ये सारे राजभर नेता को पता नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 13 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में डाला था, और लखनऊ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस्तीफा मिला, वो इस्तीफा भी गया, लेकिन आज भारत अखिलेश की सरकार होती तो इन लोगों को कहीं नहीं पड़ता। लेकिन जागो राजभर कहता कि एससी में राजभर जा ही नहीं, जब भी जाएंगे तो एसटी में ही जाएंगे। राजभर समाज की आप बात कर रहे हैं, एससी हो या एसटी हो, और एक जिम्मेदार सांसद हूं, उस कमेटी का मैं मेंबर रहा। एसटी में शामिल करने के जो नियम है वही नियम अनुसूचित जात में शामिल करने के पूरे देश में एक ही नियम है, और उस नियम के अधीन चाहे आप एसटी में जाएं चाहे एससी में जाएं, कोरम तो पूरा करना पड़ेगा, उसके नियम है। पर हाउस में उस जात का सर्वेक्षण के बाद और वो जाएगा समाज कल्याण विभाग को, समाज कल्याण विभाग के बाद पार्लियामेंट में जाए, पार्लियामेंट में बहुत तो पार्लियामेंट में जाए, और वहां जब वो पास होके आएगा, सदन पास करेगी, तब उसमें राजाज्ञा जारी होगी। तो आज स्थिति ये है कि वो कोरम तो भी पूरा हुए नहीं। माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को आज 1.5 साल हो गया निर्देश दिया कि इनको शामिल करो, और वो सर्वे किया, तो क्या करें, इस्नोग्राफी सर्वे हुआ, और इस्नोग्राफी सर्वे के बाद उसी तरह से पत्रावली पड़ी हुई है।
मैं जागो राजभर समाज के सभी साथियों से कहना चाहता हूं, अगर अखिलेश यादव जी आपकी बात नहीं सुनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार आपकी बात सुनने वाली नहीं है, क्योंकि उसमें जितने राजभर नेता हैं सब लोगों ने प्रयास ही नहीं किया, और प्रयास कर भी लेंगे तो क्या हो गया, भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण रौंद रही है, एससी का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, एसटी का आरक्षण, 6800 बच्चे आरक्षण से चयनित हुए, आज तक लाठी खा रहे हैं लखनऊ में। तो स्थितियां ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को रौंद रही है, और संविधान को जब रौंद रही है भारतीय जनता पार्टी तो उसको संवैधानिक कार्यों से मतलब क्या। आखिरी सवाल हमारा कि लोकसभा सलेमपुर में कौन ऐसे कार्य है जो आप सांसद थे उसको पूरा करेंगे जीतने के बाद? देखिए, सांसद होने के बाद जब 2009 में मैं सांसद हुआ तो हमारे मुख्य मजरे तो विद्युतीकृत थे, लेकिन बाकी छोटे मजरे भी नहीं थे। हमारे सलेमपुर लोकसभा की जनता माननीय विधायकों, माननीय सांसदों के बाद दौड़ती थी। उत्तर प्रदेश की भारत की सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लाई। केवल 22 जनपद उत्तर प्रदेश के राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में लिए गए थे। मैंने 11-11-12 को पार्लियामेंट में यह मामला उठाया, और हमारा डिबेट देख सकते हैं, सोनिया जी और शिंदे जी तत्कालीन मंत्री हमारे भाषण से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने पूरे प्रदेश में 2 जनपद बाद में शामिल हुआ वह राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना था, 120 करोड़ रुपया बलिया जनपद के लिए और 99 करोड़ रुपया देवरिया जनपद के लिए लाया। गोदरेज कंपनी को ठीका मिला, उसके अधिकारियों के साथ बेलथरा विधानसभा के हल्दीरामपुर में मैंने उसका उद्घाटन किया। आज मुझे खुशी है कि 10 घर की बसावट भी है वहां बिजली चली गई। तो सांसद का काम योजना लाना है, सांसद योजना लाता है। हमारे ये कोई योजना तो नहीं है, पीएमजीएसवाई, हमारी 2 विधानसभाएं ऐसी थी कि पीएमजीएसवाई की सड़कों का डीपीआर ही नहीं था। मैंने डीपीआर बनवाया और डीपीआर बनवा करके उसको लगाया तो मलाई लोग खाने लगे। उसके बाद से बीमारी अनुदान की बहुत बात करते हैं सांसद जी, 10 वर्ष में जितना बीमारी गरीबों के बीमारों के बीमारी अनुदान नहीं दिलाए हैं, मैंने 5 साल में दिलाया। एक सांसद को 15 लोगों को ही उनके पत्र पर 50,000 से लेकर 5 लाख रुपया बीमारी अनुदान प्रधानमंत्री कोटे से मिलता है, लेकिन मैंने 4-4, 5-5 सांसदों से, जो राज्यसभा के सांसद से, उनसे रिक्वेस्ट किया और 5 साल में 250 लोगों को मैंने 50,000, 1.5 लाख बीमारी अनुदान दिलाया, 4-4 लाख रुपया तक दिलाया। तो स्थिति यह है कि आज जो स्थिति है आप ये देख लीजिए, हमारे क्षेत्र की घटनाएं, हमारे क्षेत्र में बनकटा हल्दी का उत्पादन क्षेत्र है लेकिन वहां कोई उद्योग धंधे नहीं। हमारा सिकंदरपुर क्षेत्र जहां फूल का उत्पादन है वहां उसका इनका कोई स्थल नहीं। आप ये देखिए कि भागलपुर पुल और नदावर घाट पुल, उन दोनों पुलों से प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग आत्महत्या कूद कर करते हैं, लेकिन उन पुलों पर कोई भी जीवन रक्षक जाली नहीं लगी, कोई जीवन रक्षक जाली नहीं लगी। ठीक है, थे पूर्व सांसद रामाशंकर राजभर और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इनका कहना है कि जागो राजभर जागो, अगर जो समाजवादी के जो सरकार आएगी तभी जाके उनका भला हो सकता है। और दूसरी बात, जो पूर्व सांसद है वर्तमान में, उनसे ज्यादा मैं कार्य किया हूँ, तो आपकी क्या राय, जरूर लिखे राष्ट्रपति चलिए।